देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में 160 एजेंडा बिंदुओं पर हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कई विभागों की लापरवाही की पोल खुल गई। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में मांट विधायक राजेश चौधरी और एमएलसी योगेश नोहवार ने छाता बाजना नह झील एवं मांट रोड को पूर्ण न किए जाने की बात सांसद हेमा मालिनी के समक्ष रखी। कुपोषित बच्चों को मिलने वाले आहार के संबंध में विधायक मांट ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र और कोटा राशन वाले आहार नहीं बांट रहे हैं। वहीं टूटी सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर सभी जन प्रतिनिधियों ने दोनों अधिशासी अभियंताओं से नाराजगी जाहिर की। मथुरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। किया और ये मीटिंग हम दिशा का पूरा मथुरा के डेवलपमेंट के बारे में है और भी अच्छा सा और भी फास्ट होगा सब चीज। और हम चाहते हैं कि ये मीटिंग एवरी 4 मंथ्स होता है और सारे जन प्रतिनिधि भी साथ में थे हमारे। सब लोगों ने भी अपना अपना विषय भी रखा है तो सब लोगों का बात सुनकर हमारे अधिकारी लोग भी वो सबको माना है और वो भी करने के लिए राजी। हम लोगों ने उनको पहले तो हमने उनको बहुत ही उत्साहित किया, बधाई दी जितना काम अच्छा हुआ है और जो और अच्छा काम हो सकता है उसके विषय में हम लोगों ने बताया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।